मैं बताऊंगा। जी मैं जाऊंगा। चलिए नथुलाल जी, मैं आपके साथ जाऊंगा और ये बात बताने का काम मैं करूंगा। आइए। दाह संस्कार भी करना है कि कैसे हम? आप जाइए घर पे, विधि बिटिया आपका इंतजार कर रही होगी। और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बताना। नहीं, नहीं, पुलिस को नहीं, इसका दाह संस्कार तो हो ही, अरे उसको देखकर ये चीट फाड़ करेंगे। अब ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे अब। माधव, हमारा दामाद, हमारा माधव। मैं घर पे क्या कहूं, पता नहीं कब घर वापस जा पाऊंगा कि भी नहीं। कुंजन से क्या कहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे का सोच में पड़ गए? अरे वहां तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हाँ जाओ और विधि बिटिया को बताई दो कि उसके पति को तुम मार डाले हो। जाओ जाओ। हमार जीवन सफल हुई गवा। जो हमार 10 साल का तप और प्रतीक्षा पूरा हुई गवा। अम्मा देख, हमार सुहाग हम का लेने आ गए। हमार नया घर, नया संसार शुरू होगा। बस बस बिटिया, इतना उतावली ना हो, नहीं तो तोरी तबीयत बिगड़ जाए। आज हमका कौन चिंता नहीं। आज तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ताकत हमें हमारे स्वामी से अलग नहीं कर सकत है। आज हम इतना खुश हैं कि चाहे यमदूत है क्यों ना आ जाए, चाहे। अब सुनिए एक मिनट, दरअसल मुझे आपसे आपसे कुछ कुछ कहना था। कहना है? क्या कहना है आपको? कहिए, कहना क्या है आपको, बोलिए।
यही कहेंगे ना कि आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते? छोड़कर चले जाएंगे हमें? हम सुहागन नहीं बनेंगे? कहिए, क्या ये कहना चाहते हैं आप? आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम आपके बिना मर जा भी हमारी जान निकल जाएगी। सच्ची, हमारे जीने का मतलब सिर्फ आप। इस लड़की के साथ ऐसा ही होता है, जब भी बहुत खुश हो जाती है ना तो यही हाल हो जाता है। बावली कहीं की, ओ विधि विधि, दामाजी वो कहा है ना, सुबह से कछु खाए भी ना है तो कमजोरी भी तो होगी ना। दामाजी चलिए इसको अंदर का कमरा में ले जाते हैं, चलिए ऐसा संभाल के। देखिए ना, आप पहली बार आए हैं और हम सीधे काम पे लगा दिए। हम तो सोचे थे कि सबसे पहले विधि के हाथ का खीर खिलाएंगे आपको। अरे सुबह से का नहीं बनाई है पगली आपके लिए। वो कहा है ना दामाद जी कि जब दूल्हा लेने आता है ना तो लड़की लोग पगला जाती है। अरे अरे आप दामाद जी को बाहर ले जाइए ना, हम कुछ लेके आते हैं। दामाजी कहाँ लाए आपके लिए, शरबत या खीर? जी वो आई। नथुलाल जी, मैंने बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे ख्याल से आज उन्हें आराम करने देते हैं, प्लीज नथुलाल जी। ऐसा है बाबू कि तुम ठहरे बड़े आदमी, अरे कोनो कमी नहीं है तुम्हारे जीवन, हमार बिटिया का जीवन ऐसा नहीं है। मौत बहुत ही सीधी साथी है, दिल से भी और रहन सहन में भी। ओ ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। एक झटका में उसका सपना चूर चूर हो जाएगा। सपना चूर चूर हो जाएगा? हुआ जी दामाद जी, कुछ चाहिए आपको? बोलिए दामाद जी। जी दरअसल मुझे ना ना, हम आपको जाने नहीं देंगे, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कहेंगे हम उसे, कैसे संभालेंगे वो का? अम्मा अम्मा क्या बात हुई? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।